नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हेल्थ स्टाइल एंड आर्ट में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बील का जूस यानी बिलो फल का जूस, बिलो फल स्वरस। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बिल फल लिए हैं, पके हुए बिल फल। वैसे स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो कच्चा बिल फल सही रहता है। उससे अगर आपको अतिसार है या फिर प्रवाहिका है, मतलब डायरिया डिसेंट्री है, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज की शिकायत है तो आप पका हुआ फल लें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको स्वाद के लिए पीना है, तो भी आप पका हुआ फल ही यूज़ करें। तो मैंने जैसे पका हुआ फल ले लिया है, 3 फल लिए हैं मैंने, और ये छोटे फल हैं क्योंकि ये पेड़ जो है ये बहुत ही पुराना पेड़ है और इसके छोटे छोटे बिल फल लगते हैं। आजकल हाइब्रिड आते हैं तो उनमें बड़े बड़े बिल फल लगते हैं इस टाइप के, लेकिन जूस बनाने का प्रोसेस सेम है चाहे छोटे फल हों या बड़े फल हों। अब गर्मियों में कुछ ना कुछ ठंडा हमें चाहिए होता है पीने के लिए, तो अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही रहती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनमें से बिलो फल जूस भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और इसके अलावा पुदीना, नींबू, वो सब तो है ही हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इमली पानक भी आप बना सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने इन्हें तोड़ लिया है और इनके पल्प को आप चम्मच से या चाकू से निकाल सकते हैं ईजीली। तो मैंने इन्हें एक भगोने में निकाल लिया है। और इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि एंड स्क्रीन पे मैंने इमली पानक और गुलकंद सेक का वीडियो दिया हुआ है, जो कि गर्मियों में हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से पूरा हमें इसका पल्प निकाल लेना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट मिक्सी में बीज पिस जाते हैं, उससे थोड़ा सा कड़वापन आता है, तो मैं इन्हें मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ। तो ये सारा जो 3 फल थे उनके तीनों की मैंने इसमें जो पल्प था वो निकाल लिया है। इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद में इसे मैश करेंगे चम्मच से, या फिर आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं, या आप हाथ से इसे मसलना चाहें तो हाथ से भी मसल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे चम्मच से इसे प्रेस कर रही हूँ जिससे इसका जूस है वो अलग हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें आप और इसे अच्छे से मैश करते रहें। तो ये मैंने एक बार के लिए अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक दूसरा भगोना लूँगी और उसके ऊपर छलनी रख के इसे छान लेंगे। तो इसे काफ़ी अच्छे से छान लेना है आपको, इस तरीके से चम्मच से चला के, और थोड़ा सा प्रेस भी करते रहें ताकि जो रस है वो नीचे निकल जाए। तो अब ये जो बच गया है इसे हम एक बार फिर से उसी भगोने में डाल लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से मैश कर लेते हैं ताकि पूरा जूस हमें मिले, इसका वेस्ट नहीं हो बिल्कुल भी। तो ये मैंने डाल लिया है फिर से और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और फिर से मैश कर देना है इसे और फिर से छान लेना है। ऐसे ये प्रोसेस आप 2 या 3 बार भी कर सकते हैं जिससे बिल का सारा रस हमें मिल जाए और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। तो ये मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। मैं थोड़ा सा छलनी में भी पानी डालूँगी ताकि बचा खुचा जो रस है ना वो भी निकल जाए, क्योंकि मुझे ये जूस बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैं इसका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं चाहती, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करके और जितना भी इसमें रस है वो पूरा निकालना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मैश कर दिया। अब ये जो फाइबर्स और जो बीज बचे हैं इन्हें आप वैसे तो फेंकेंगे ही, बट अगर आपको बिल का पेड़ चाहिए, अगर आपके पास जगह है लगाने के लिए, तो आप ये बीज ग्रो कर सकते हैं, ये इजीली उग जाते हैं। इसके बाद में अच्छे से जूस जो है इसका अलग करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो आप देख सकते हैं ये 3 बिल फल से इतना जूस निकला है। अभी हम इसमें पानी और ऐड करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, वो पहले मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 5 चम्मच चीनी ऐड की है, और थोड़ा सा बिल का भी फ़र्क होता है, कई फल मीठे होते हैं, कई फल थोड़े कम मीठे होते हैं, तो आप पहले थोड़ी कम चीनी डाल करके टेस्ट कर लें, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग चीनी डालते रहें। तो मैंने 5 चम्मच चीनी डाली है और मैं लगभग 2.5 गिलास बन रहे हैं इसमें, और 1 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है और 1 गिलास अब और ऐड कर दूंगी।
तो ये एक ग्लास पानी का और ऐड कर देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा थिक थिक सा पसंद है जूस तो आप इसमें पानी कम ऐड कर सकते हैं और चीनी भी थोड़ी कम ऐड कर दें, और अगर मेरी तरह थोड़ी वाटरी कंसिस्टेंसी पसंद है तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। एक गिलास पानी के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है और अब ये पीने के लिए रेडी है। अगर आप बिना दूध के ही बेल जूस पीना चाहते हैं तो ये तैयार है। तो ये देख सकते हैं आप, कलर ही कितना प्यारा आया है ना, देख के पीने का मन कर रहा है। तो ये हमारा बेल जूस तैयार है बिना दूध के। अब हम जो बचा हुआ जूस है उसमें दूध ऐड करेंगे। तो ये जो बचा हुआ जूस है उसमें मैं आधा ग्लास दूध ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। एक चम्मच चीनी और डाल लें ताकि टेस्ट के अकॉर्डिंग सही हो जाए। पानी आप ठंडा यूज़ करें क्योंकि ठंडा ठंडा पीने में ही अच्छा लगता है। और इसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल दूँगी मैं, उसमें डालना भूल गई थी वैसे, बाद में डाल दूँगी मैं। तो ये मैंने थोड़े से आइस क्यूब डाल दिए इसमें, जिससे ये और भी ठंडा हो जाए और भी टेस्टी लगे। तो इसे भी हम एक ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये दोनों टाइप से अच्छा लगता है, दूध डाल के बनाने पर भी अच्छा लगता है और बिना दूध के भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा बेल का जूस रेडी है, विद मिल्क और विदाउट मिल्क। आपको जैसा अच्छा लगता है आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। और आपका जूस कैसा बना और ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।